हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक मेडिकल का जो फार्माकोलॉजी का बुक है वो, और 8th एडिशन का मैंने बुक यहां पर लिया हूं। और इसमें शो करेंगे कि इस तरह का पहले बुक दिखता है, क्या क्या फीचर्स है, और इसमें रेफरेंस के लिए कौन बुक ले सकते हैं अगर आप एमबीबीएस इन नेपाल के लिए ट्राई कर रहे हैं। मीन्स इस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये फार्माकोलॉजी का बुक है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी का नाम है, जो कि ये केडी त्रिपाठी जो राइटर है उनका नाम है और 8th एडिशन है। और इसमें एक आता है कैटरिन कहकर शायद है कि उसमें का नाम हम थोड़ा फॉरगेट हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस पर जब खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, और इसके बाद यहाँ पर बुक का जो भी एडिशन, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर, एक सब जो भी यहाँ पर राइटर सब है उनका नाम है केडी त्रिपाठी, जो एमडी है, खुद किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ आएगा आपको। न्यू दिल्ली इंडियन बुक है केडी त्रिपाठी का। और आप बहुत सारे इंडियन बच्चे का क्वेरी भी आता है कि हम लोग को इंडियन बुक पढ़ना पड़ेगा, कि बुक कैसा होता है, इंग्लिश में होता है, स्टडी मटेरियल्स कैसा होता है, तो आपको भी यहाँ पर पता चलेगा और नेपलीज को भी साथ साथ पता चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बुक का जो डिटेल था मिल गया आपको। यहाँ पर कंटेंट सब दिया है, इस तरह से जिस तरह से आप 9-10 का या मेडिकल प्रिपरेशन का स्टडी किए थे, 11-12 का, उस तरह से जिस तरह के कंटेंट देता है उसी तरह से यहाँ पर है, और कंटेंट सब आपको मिल जाएगा। और ये बुक जो है वो कनेक्ट, मतलब कि आपको 2 ईयर के लिए वैलिड होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मीन्स बेसिक साइंस या प्री क्लिनिकल का जो है उसके लिए आपको वैलिड होने वाला है। तो इसमें आपको यहाँ पर जाएंगे तो एब्रिविएशन सा लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मिलेगा आपको, और उसके बाद कुछ पेजेस टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो सो दोस्तों, आप एक स्टूडेंट का है ये बुक, और जो कि मेडिकल स्टडी कर रहा है अभी फिलहाल, तो इसी तरह से आप ये जो भी यहाँ पर पॉइंट सब है ये सब पैराग्राफ में होता है यहाँ पर। तो अगर आप पूरे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना मोटा बुक है। ऑलमोस्ट आपको पेज की बात किया जाए तो 1064 पेजेज है, तो जिसमें से आपको 1000 पेज जो है वैल्यूएबल चीज़ का है, तो वो सारे चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और हो सकता है कि आपको ये सारा जो इसमें नॉलेज है वो आपके माइंड कवर नहीं कर पाए, मीन्स रिकॉल नहीं कर पाए। तो सो आप फाइनली इस तरह से अंडरलाइन कर, या हो सकता है तो एक नोटबुक रखना, उस नोटबुक में मीन्स नोट डाउन कर आप पढ़ सकते हैं आगे कर। तो फार्माकोलॉजी में इसी तरह से, अगर कंटेंट की बात किया जाए, जैसे कि इसमें अगर दूसरा सब इस तरह के डायग्राम वगैरह दिया होगा आपको, और सब चीज़ इस तरह से आपको अंडरलाइन कर पढ़ना पड़ेगा, और सब कुछ इस तरह से करते रहना है आपको। और उसी के बाद जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन सब हो गया, जो जो चैप्टर पढ़ाई होगा उसमें आपका हर चैप्टर, एक मीन्स फर्स्ट ईयर में कोई चैप्टर होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर पढ़ाई होगा उस तरह से आगे बढ़ते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जैसे कि इसमें पूरा चीज़ मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम का कमी हो जाएगा इसमें, और शॉर्ट में वीडियो सब कुछ दिखा रहा हूँ पाना एक ही बार, बहुत ज़्यादा ड्रग्स एंड फिक्स डोजेज ड्रग्स कॉम्बिनेशन है इसमें, कैसे कैसे ड्रग्स के बारे में, फार्माकोलॉजी करने मतलब मेडिसिन के रिलेटेड ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पर कंटेंट एक बार हम रिव्यू कर दे रहे हैं ताकि आपको कंटेंट सबका पता चल जाए किस तरह से होता है। और इंग्लिश में पूरा हो गया, आपको पता चली गया कि अगर इंडियन स्टूडेंट है तो केडी त्रिपाठी का बुक ले, सर का बुक लेकर आपका एडमिशन ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। तो आप जो टाइम है आप वेट कर रहे हैं, उस टाइम में आप घर पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल्स सब के बारे में सेक्शन 1 में आएगा, उसी तरह से ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है, उसी तरह से एटाक्वाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रग है, उसी तरह से यहाँ पर हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के है, उसके सब टॉपिक्स भी बहुत है, ड्रग्स एक्टिंग्स ऑन पेरिफेरल सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, उसी तरह से ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है, उसी तरह से ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी है, सेक्शन 10 में ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन है, सेक्शन 11 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स है, सेक्शन 12 में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, उसी तरह से 13 जो सेक्शन है उसमें केमोथेरापी ऑफ नेप्लोस्टिक्स डिजीज है और मिसलेनियस ड्रग्स है, ऑलमोस्ट इसमें टोटल 14 सेक्शन है, और उसके सब टोटल सब टॉपिक का बात करें तो 71 सब टॉपिक है, और लास्ट सब टॉपिक्स ड्रग्स इंट्रैक्शंस है, और उसी तरह से वैक्सीन है, उस तरह वगैरह वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। सो गाइज, फाइनली मैंने ये बुक को मीन्स वीडियो को एंड करता हूँ, और फाइनली यहाँ पर एक लास्ट जो पेज है, जैसे कि यहाँ पर तो फ्रंट में
में कुछ भी नहीं लिखा है, और बुक को देखा जाए तो, और यहाँ पर सिर्फ राइटर का नाम और नेम मीन्स प्रिंसिपल एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बुक 8th एडिशन का है, और हो सकेगा तो लेटेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा आप। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक फार्माकोलॉजिकल से कंसेप्ट टू प्रैक्टिकल थेराप्टिक्स कोर ऑफ फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोनेटिक्स एंड डोजेज फॉर्म, करने मतलब कि बुक के बारे में कैसे क्या क्या चीज़ें है इसमें, मेडिसिन के बारे में क्या क्या कवर कर सकता है, मीन्स यही उसका इंट्रोडक्शन है शॉर्ट। हाइलाइट्स में देखेंगे ऑफ 8th एडिशन में हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या नया चीज़ कवर करता है 8th एडिशन से, थ्रोली रिवाइज है एंड अपडेटेड चैप्टर्स इंक्लूडिंग न्यू ड्रग्स एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। तो सो गाइज फाइनली ये पॉइंट से आपको पता चलता है हो सके जितना लेटेस्ट आपको मिल सकता है लेटेस्ट वर्जन किनना है आपको। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं अ न्यू चैप्टर ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया है इसमें, और भास्कोकेटिक पेप्टाइड्स एंड सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग्स विथ नोवेल ड्रग्स डैट एक्ट बाय मॉडिफाइंग एक्शंस टर्नओवर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली मैं मुझे मेडिकल फील्ड से नहीं बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड भास्कोनाइट्रिक पेप्टाइड्स क्या होता है वो समझा नहीं सकता मैं आपको। उसी तरह से थर्ड पॉइंट का देखते हैं आई कैचिंग ड्रग्स, जो आई कैचिंग ड्रग्स होता है उसके क्लासिफिकेशन चार्ट्स भी इसमें है, जो कि हेल्प करता है क्रिएट पिक्टोरियल मेमोरी बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। इसका पॉइंट का मतलब वही है। सेवरल न्यू फिगर्स इसमें दिया गया है, बहुत सारा फिगर है, चार्ट्स है, टेबल्स है। उसी तरह से हाईलाइट्स बॉक्सेस इसमें दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो मेमोरी करने में, रिकॉल करने में जो भी चीज पढ़ा है उससे शॉर्ट टाइम में। और उसी तरह से फोकस ऑन एविडेंसेस, जो एविडेंस वगैरह पर बेस्ड मेडिसिन में जितना एविडेंस हो उस पर फोकस किया गया, ज्यादा एविडेंस और मींस प्रूफ के तौर पर बाय एक्सटेंसिव रेफरेंसेस टू क्रेडिबल स्टडीज एंड इंड पॉइंट दिस ट्रेल्स, मीन्स इंड पॉइंट्स मेरे ख्याल से इसमें दिया गया है, और क्रेडिबल स्टडीज सब कोई पॉइंट दिया होगा, मुझे पता नहीं उसमें अंदर क्या होगा, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इंडिया स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ऑन डिजीज, इंडिया के बारे में डिजीज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इंडियन डिजीज के बारे में है। ड्रग्स है, ड्रग्स में जो भी इंडिया में ड्रग्स ज़्यादा यूज होता है सिमिलर टू नेपाली है, इसीलिए नेपाल में भी ये बुक को मीन्स इम्प्लीमेंट किया गया है। और एक्चुअली में नेपाल में थोड़ा लैक ऑफ प्रोफेसर भी कमी है और राइटर का भी कमी है, लेकिन इसमें नेपलीज और इंडिया का जो डिजीज वगैरह सेम ही होता है। सो गाइज इसीलिए बोल रहे थे कि नेपाल को अगर आप इंडिया के बाद कुछ दूसरे कोई भी कंट्री को डिस्टिनेशन बनाते हैं तो नेपाल आपका सेकंड प्रायोरिटी में हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पर्टिकुलरली फॉर टीबी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन हो सकता है, लेप्रोसी, एचआईवी, एड्स, मलेरिया, कलाजार्स, ईटीसी। उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे थेरापेटिक रिकमेंडेशन फ्रॉम इमिनेंट प्रोफेशन है और बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें पास्ट ईयर ओवर द पास्ट ईयर सब बुक्स जो भी रिकमेंडेशन वगैरह आया है वो भी सब भी लिखा है, और इसके यहाँ पर फेसबुक पेज भी है आपको, और यहाँ पर पब्लिकेशन का नाम दिया गया है, और बस हो गया। सो गाइस फाइनली बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।